हम ये शुरू करने लगे हैं क्लास। अच्छा, आज की क्लास में लास्ट की दो क्लासेस में हमने लॉगिन और साइन अप की एक ऐप बनाना चाह रहे थे हम JWT के साथ। तो लास्ट की दो क्लासेस में हमने क्या क्या कवर कर लिया वो ज़रा मैं रिमाइंड करवा देता हूँ सब लोग, ताकि सेम पेज पे आ जाएं। हमने लॉगिन और साइन अप की सर्वर में APIs तैयार कर ली थी विथ JWT के टोकन्स वगैरह, कुकीज़ वगैरह जो भी सेटिंग करनी थी। फिर हमने फ्रंट एंड के ऊपर साइन अप और लॉगिन का पेज तैयार कर लिया था रिएक्ट के ऊपर। और साइन अप के पेज में चार फील्ड का एक फॉर्म था, उसमें चार डिटेल लिख के साइन अप दबाते थे, साइन अप हो गया। एंड आफ्टर दैट लॉगिन का हमारे पास एक पेज था जिसमें लॉगिन का बटन दबाते थे, ईमेल पासवर्ड लिख के तो लॉगिन हो जाता था। मतलब लॉगिन होने का मतलब ये है कि सर्वर पे जाता था, वहाँ पासवर्ड मैच करके डेटाबेस से, और वहाँ से एक JWT का टोकन बना के वापस ब्राउज़र में ले आता था और ब्राउज़र में ला के उसको सेव कर देता था। अच्छा, अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी? हमारे पास प्रॉब्लम ये थी कि वंस वो लॉगिन हो जाता है जब, तो मुझे अपनी ऐप के तमाम कंपोनेंट के अंदर ये बात पता होनी चाहिए कि इज लॉगिन ट्रू। तो इस केस में मेरे पास अगर मैं स्टेट वेरिएबल बनाता हूँ तो वो मेरे एक कंपोनेंट की हद तक ही अवेलेबिलिटी उसकी रहती है। अगर मुझे उस कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में उसको लेकर जाना है डेटा को, तो वो या तो मैं प्रॉप्स के ज़रिए लेकर जाऊँगा, लेकिन प्रॉप्स के ज़रिए सिर्फ मैं चाइल्ड तक पहुँचा सकता हूँ, पेरेंट तक नहीं पहुँचा सकता, ठीक है। तो इसलिए हम अब क्या करेंगे, एक अदद डेटा स्टोर सेटअप करेंगे, ठीक है। डेटा स्टोर सेटअप करने के लिए कॉन्टेक्स्ट API हमारे पास एक तरीका है। कॉन्टेक्स्ट API के अलावा भी रिएक्ट के अंदर बहुत सारे डेटा स्टोर्स हो सकते हैं, यानी मकसद कहने का ये डेटा स्टोर बनाने के बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हम ज़रा देख लेते हैं, रिएक्ट डेटा स्टोर जब मैं करूँगा ना, अभी वो लिस्ट नहीं आ रही। वेल, एक मोबेक्स करके है और एक फ्लैक्स करके भी एक है, और भी बहुत सारे जो डेटा स्टोर बनाने के काम आते हैं। कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट डेटा स्टोर रिएक्ट, तो मे भी मुझे जो है इस तरह करके कोई एक आर्टिकल मिल जाए, चूजिंग द राइट डेटाबेस, नॉट द डेटाबेस। ठीक है, एक रिकॉइल के नाम से भी गालबन है यार, मैं कहाँ पे पढ़ रहा था, वो डेव सीडिया का एक आर्टिकल था रिडक्स का, उसमें मैंने वो लिस्ट पढ़ी थी रिडक्स। यहाँ पे इसने एक लिस्ट बताई थी कि जो है ना डेटा स्टोर बनाने के और कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मे बी मैं इसको रिडक्स अल्टरनेटिव लिख के सर्च करूँ। बिल्कुल ही नहीं मिल रहा, गायब हो गया। हाँ, एक ब्लॉग मिला है बड़ी मुश्किलों से। हाँ, ये एक मोबेक्स करके एक ऑप्शन होता है, इससे भी आप डेटा स्टोर बना सकते हैं। और कहा गया, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट API ऑब्वियसली एक ऑप्शन है, सबका कोड वोड भी लिखा हुआ है इसमें। एक पुल स्टेट करके भी है जिससे आप डेटा स्टोर, इट वर्क सिमिलरली टू रिडक्स एंड कॉन्टेक्स्ट API। RxJS, ठीक है। तो ये कुछ और भी स्टोर्स हैं, मुझे अभी कोई प्रॉपर लिस्ट मिल नहीं रही है कहीं पर जो मैं आपको दिखा सकूँ, ठीक है। तो हमने कुछ एक देखा, मोबेक्स, रिकॉइल, रिडक्स टूलकिट और कॉन्टेक्स्ट APIs वन ऑफ दोज ऑप्शंस जिसको यूज़ करते हुए आप
रिएक्ट की वेब एप्लीकेशन के अंदर डेटा स्टोर बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मतलब क्या है इसका कि एक ऐसी जगह जहाँ पर डेटा आके स्टोर होगा और वो डेटा स्टोर पूरी एप्लीकेशन में कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। उसमें डेटा ला के आप किसी भी कंपोनेंट में डेटा आता है, आप चाहें तो उसकी कॉपी आप डेटा स्टोर में रखवा दें या डायरेक्टली उसको डेटा स्टोर में ही लैंड करवाएं डेटा को, और डेटा स्टोर से डायरेक्टली उसको डिस्प्ले करवा दें, ठीक है। यू कैन थिंक ऑफ दिस डेटा स्टोर कि ये एक ऐसा स्टेट वेरिएबल है जो ग्लोबल है। जैसे स्टेट वेरिएबल में आप एग्जॉस्ट से डेटा मंगवाते हैं, डायरेक्ट सेट स्टेट करवा देते हैं, है ना, सेट डेटा, और वो स्टेट में चला जाता है और आप उसी डेटा के ऊपर डॉट लगा के मैप करते हैं, उसको डिस्प्ले करवा देते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक दैट आप जो ग्लोबल स्टेट है उसको भी आप इस तरह एक्सेस कर पाएंगे। अच्छा, तो ये एक छोटा सा आर्टिकल है जिसमें ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में लिखा था मैंने 2021 में, सही है, एक साल पहले। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें शुरू में तो बातें हैं भाई, व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट, रिएक्ट का कॉन्टेक्स्ट है क्या चीज़। कॉन्टेक्स्ट अंग्रेजी में किस चीज़ को कहते हैं, कोई बता सकता है? कॉन्टेक्स्ट उस चीज़ को कहते हैं अंग्रेजी में कि जो बात हो रही है, सही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइनल कौन जीता, ये फाइनल कब है, अभी कौन सा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, फाइनल कौन जीता, अर्जेंटीना ना, ठीक है। अब क्योंकि जाहिर है हम वर्ल्ड कप के ग्राउंड में नहीं बैठे हुए, तो इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो शायद आपको पिक करने में टाइम लगा थोड़ा सा ना। तो अभी अगर मैं पूछूँ कि छुट्टियाँ कब स्टार्ट हो रही हैं, तो इसका मतलब है गर्मी की छुट्टियाँ, सर्दी की छुट्टियाँ, सर्दी की छुट्टियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। तो काइंड ऑफ एक कुछ चीज़ें होती हैं वो आपके कॉन्टेक्स्ट में पहले से होती हैं, तो ये कॉन्टेक्स्ट की बात होती है। या अगर मैं इसकी और एक बेहतर एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँ, अगर मैं आपसे पूछूँ कि हाँ भाई बाहर टेम्परेचर कैसा है, आप लोग अभी बाहर से आ रहे हैं, मैंने कहा बाहर टेम्परेचर कैसा है, तो आप कहेंगे कि यार ठंड है बाहर थोड़ी। और मैं अगर आपसे दोबारा पूछूं कि इंग्लैंड में भी कैसा होगा, तो मतलब इंग्लैंड के भी मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, तो शायद कोई अगर इंग्लैंड में किसी का रिश्तेदार हो तो वो फ़ौरन बता दे, या आप मोबाइल ऐप से देख कर बता दें। तो ये कॉन्टेक्स्ट होता है कि अब मैंने जब मैंने पूछा ना कि इंग्लैंड का कैसा होगा, तो फिर मैंने टेम्परेचर का नाम नहीं लिया, लेकिन बात टेम्परेचर की चल रही थी, तो आपने ऑटोमेटिक समझ लिया कि इंग्लैंड के टेम्परेचर की बात हो रही है। तो ये होता है कॉन्टेक्स्ट कि जो भी बात चल रही है ना इस वक्त वो। अच्छा, अगर जैसे अब मैं कुछ और बात करना शुरू हो जाऊँ, तो जो टेम्परेचर है वो कॉन्टेक्स्ट से ख़त्म हो जाएगा। अब मैं 15 मिनट बाद आपसे पूछूँगा इंग्लैंड में कैसा था, तो फिर आप बोलेंगे कि क्या। तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने इससे दो चीज़ें सीखी। कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक तो जो करंटली बात चल रही है ना वो होती है, ठीक है। दूसरी बात हमने ये सीखी कि कॉन्टेक्स्ट परमानेंट नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट जो है फॉर अ टाइम बीइंग होता है, टेम्प्रोरी होता है, कॉन्टेक्स्ट परमानेंट डेटा स्टोर नहीं है। अगर हम कंपोनेंट को छोड़ के दूसरे कंपोनेंट में जाते हैं, तो मे बी हम उसमें से डेटा डिलीट करवाते भी हैं, जो हमें डेटा जब ज़रूरत नहीं है तो हम उसमें से हटा देंगे उसको। तो परमानेंट डेटा स्टोर हमारा जो है वो डेटाबेस है इवेंचुअली। अच्छा, ये आर्टिकल मैंने क्यों लिखा था, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट एपीआई को सेटअप करने का कहीं पे तरीका प्रॉपर नहीं मिल रहा था। अगर आप रिएक्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई आप लिखते हैं अगर, तो यहाँ पे ना कोई प्रॉपर इसका कोड एग्जांपल उस वक्त नहीं था, आई होप के अभी भी नहीं है। अच्छा, और दूसरा इसको दिया हुआ भी इन्होंने क्लास कंपोनेंट के ज़रिए ना, फंक्शनल कंपोनेंट में इसका जिक्र नहीं किया हुआ, ठीक है। रिएक्ट की आधी डॉक्यूमेंटेशन अभी भी पता नहीं क्यों क्लास कंपोनेंट को लेकर है। कौन वाली, ये वाली रिएक्ट डॉट बीटा, चलो इसमें देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट। ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट एपीआई डॉक्स है ना, ये हो गया ना ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट एपीआई,
इसमें भी वही है, कोड वही है। असल में कोड ना ये गिटहब से लिंक हुआ हुआ होता है, ये जो इसमें कोड आ रहा है ना एक्चुअल में, ये गिटहब में एक फाइल होती है एमडी फाइल, वहाँ से उठा के ये सीधा इधर ला रहे होते हैं। तो इसमें एक तो कोड एग्जाम्पल जो है वो क्लास कंपोनेंट से इन्होंने बनाकर दी हुई है, और दूसरा ये कि प्रॉपर कोई एग्जाम्पल भी नहीं है, तो इसलिए ये आर्टिकल लिखने की ज़रूरत पेश आई थी। अच्छा, दूसरा यहाँ पे ना एक चीज़ मैंने और जिक्र की है, इसको आप देखिएगा कि रिडक्स जो है ना, रिडक्स वाज एक्चुअली द मोस्ट फेमस डेटा स्टोर जब वो रिलीज़ हुआ। क्यों फेमस हुआ वो? एक तो वो उस वक्त कोई और डेटा स्टोर था नहीं, तो द आइडिया ऑफ डेटा स्टोर वो लेकर आए थे रिडक्स वाले, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है अगर मैं सही हूँ। तो ये दो बंदे थे, ये डैन अबनव और ये एंड्रयू क्लार्क, इन दोनों ने ये लिखा था, और लिखकर बाद में इन्होंने ये कंपनी सेल आउट कर दी। तो अगर आप रिएक्ट की रिपोजिटरी में जाकर देखें ना, तो जब ये देख रहे हैं आप 2016 से ये लोग रिएक्ट के कोलैबोरेटर हैं, फेसबुक ने गालबन इनको हायर कर लिया। अब ये पूरा मैंने लंबी कहानी लिखी है, वो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो ये एंड्रयू क्लार्क और ये दोनों जो है ना फेसबुक के रिएक्ट में ये रेड कलर का तीर बना रहा है, और दोनों को साथ में ही हायर किया है। ये देख रहे हो 2016 साथ में ही दोनों ने काम स्टार्ट किया, और अच्छा खासा कोड लिख रहे हैं इसमें, ठीक है। तो काइंड ऑफ वो लोग जिन्होंने रिडक्स बनाई थी वो अब फेसबुक के पास है, तो फेसबुक की जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई है वो भी वही लोग लिख रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली। तो सेम चीज़ बंदा जब सेकेंड टाइम बनाता है तो पुरानी गलतियों को भी सुधार लेता है और पहले से बेहतर बनाता है, राइट। तो काइंड ऑफ यही लोग हैं जो सेकेंड टाइम इस चीज़ को दोबारा से बना रहे हैं। अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। अब हम कोडिंग करना शुरू करते हैं। तो ये जो पूरी कोडिंग है इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, और लास्ट में इसके एक रिपोजिटरी का लिंक है जो जिसमें ये पूरा का पूरा कोड लिखा जा रहा है, वो एक रिपोजिटरी है। तो कुछ इस तरह का ये दिखेगा बनने के बाद, ठीक है, कुछ इस तरह का दिखेगा ये। ये वो लिंक है रिपोजिटरी का, तो मैं डायरेक्ट इस रिपोजिटरी में चला जाता हूँ, इसको क्लोन कर लेता हूँ, और इसको क्लोन करके हम इस रिपोजिटरी में पहले समझते हैं कि ये कैसे चल रहा है सारा का सारा कोड, और उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, इसी चीज़ को अपने ऐप में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने इसको किया कॉपी, इस URL को, और URL को कॉपी करने के बाद डेस्कटॉप पर आके मैंने CD डेस्कटॉप, सही है, ये मैं डेस्कटॉप पे आ गया, और मैंने कहा गिट क्लोन और रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट API एग्जांपल, और मैंने कहा CD रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट API एग्जांपल कोड स्पेस डॉट, और इसको मैंने VS कोड में ओपन कर लिया, सही थी। तो ये VS कोड में मेरे पास ओपन हो चुका है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं एक सिंपल सी एक रिएक्ट की एप्लीकेशन है, जिसके अंदर एक पैकेज डॉट जेसन है, गिट इग्नोर है, पब्लिक का फोल्डर है जो कि जिसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है, वो एज इट इज़ है। SRC का जो फोल्डर है इसके अंदर कुछ चेंजेस हैं जो हमें जिसको देखना पड़ेगा। तो इसकी कहानी शुरू होती है index.js से, ऑब्वियसली, राइट। तो मैं index.js में जब आता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर नाम की एक चीज़ कहीं से रिक्वायर करके उसको एज अ प्रोवाइडर यहाँ पे लगाया गया है। बहुत ही सिंपल है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। हम एक लाइब्रेरी थी रिएक्ट डॉम, राउटर डॉम है ना, उसका प्रोवाइडर इस तरह लगा चुके हैं पहले, हम जानते हैं कि ये क्या होता है। सही हो गया, एक फाइल क्लियर हो गई, कैसे हो रहा है। अब ये प्रोवाइडर हमें पूरे ऐप में कॉन्टेक्स्ट दे रहा होगा। उसके बाद हम चलते हैं app.js में। app.js में जब हम जाते हैं तो हमारे पास दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2, ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एक कंपोनेंट 1 कहीं और है, एक दूसरा कंपोनेंट 1 एक दूसरे फोल्डर में है। इन दोनों को यहाँ पे लाके दोनों को एज इट इज़ डिस्प्ले किया हुआ है। हम यही करते रहे कि होम, अबाउट पेज, प्रोफाइल, चार पेजेस होते हैं, लाके डिस्प्ले करवाते हैं। अब हम चलते हैं इसके पहले कंपोनेंट के अंदर, कंपोनेंट 1 के अंदर चलते हैं, ठीक है, ओके। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट 1.jsx, कंपोनेंट 1.jsx में जब हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट नाम की कोई चीज़ है, उसको रिक्वायर किया हुआ है। उसके अलावा रिएक्ट से जैसे यूज़ स्टेट होता है, इसी तरह यूज़ कॉन्टेक्स्ट नाम की एक चीज़ रिक्वायर की हुई है। ये दोनों बॉयलर प्लेट कोड है, ये आपने हमेशा इसी तरह करना है, राइट।
उसके बाद हमारे पास जैसे हम यूज़ स्टेट बनाते थे ऐसे हमने एक स्टेट बनाई है, बट इसको बनाने का तरीका क्या है, ये यूज़ कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए बना है और इसमें एक स्टेट है और एक डिस्पैच है। तो ऑब्वियसली जाहिर है कि स्टेट क्या है, उसको रीड करने के लिए और डिस्पैच उसमें राइट करने के लिए कुछ, सही है। और ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट जो हमने यहाँ से उठाया था वो यहाँ पर दे दिया। जैसा कि हमने जिक्र किया था कि कॉन्टेक्स्ट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि पूरी एप्लीकेशन एक ही कॉन्टेक्स्ट हो। तो जिस कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे हमें एस्टेब्लिश करना है उस कॉन्टेक्स्ट को जो रिक्वायर किया है। अब ये कॉन्टेक्स्ट बना कैसे है, दैट इज़ अनदर स्टोरी, वो भी हम चलते हैं उसके ऊपर। तो ऐसे करके इसको बनाना बिल्कुल यूज़ स्टेट की तरह बन रहा है। और फिर इसको यूज़ कैसे करेंगे हम, मैंने कहा स्टेट, इस स्टेट को मैंने यहाँ पे नीचे डिस्प्ले करवाया हुआ है, ये देख रहे हैं आप, स्टेट डॉट यूज़र डॉट यूज़र नेम। ये नलिश ऑपरेटर इसलिए लगा हुआ है कि सम टाइम स्टेट नल भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि स्टेट कभी नल भी हो सकता है या नहीं, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है ताकि अगर कोई वैल्यू अनडिफाइंड या कुछ हो जाए तो मेरा कोड ब्रेक ना हो। ये समझ आ गया कि रीड कैसे हो रहा है ये, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एक बटन है, जिस बटन के क्लिक पे ना ये वैल्यू चेंज होती है, वो बटन जो है हमारा वो क्या है, टॉगल थीम है, काइंड ऑफ एक बटन है। तो टॉगल थीम का जब बटन प्रेस होता है, यहाँ पे आप देखें ये टॉगल थीम का एक बटन है, टॉगल थीम का जब बटन प्रेस होता है तो क्या होता है कि मैं उस वैल्यू को चेंज करता हूँ, जो थीम की वैल्यू है ना, मेरी थीम की वैल्यू कहाँ पर है, थीम की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाई भी होगी, हाँ ये रहा ना, स्टेट डॉट डार्क थीम, डार्क थीम एक्टिवेटेड और लाइट थीम एक्टिवेटेड, ये कंडीशन लगाया हुआ है इस वैल्यू के ऊपर। तो जब मैं इस बटन को दबाऊंगा तो इस बटन के दबाने पे मैंने क्या किया हुआ है, स्टेट डॉट डार्क थीम की वैल्यू को चेंज करवाया हुआ है, लेकिन इसको चेंज करवाने का तरीका मेरा कन्वेंशनल तरीका नहीं है। आमतौर पर तो हम ये कहते हैं कि सेट स्टेट करके करवा दो, मगर इसमें प्रॉब्लम ये है, जैसे लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था कि भाई एक ग्लोबल स्टेट है मेरे पास, यूज स्टेट की तरह का है बिल्कुल, उसको सब लोग रीड कर सकते हैं, हमने देख भी लिया कि बिल्कुल सेम है उसको रीड करने का तरीका, लेकिन अगर सब लोग उसमें सेट स्टेट कॉल करना शुरू कर देंगे तो कोई अपने तरीके से सेट कर देगा, कोई कुछ और लिख देगा, कोई मिस स्पेल कर देगा, तो फिर क्या होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे, मिसाल के तौर पर टॉप जो थीम है वो या तो डार्क हो सकती है या तो लाइट हो सकती है, कोई तीसरी वैल्यू नहीं हो सकती। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि एक फंक्शन बनाओ, जब भी किसी को टॉगल करवाना हो थीम को, यानी डार्क से लाइट या लाइट से डार्क करना हो, तो वो फंक्शन कॉल करेगा, वो फंक्शन एक्चुअल डेटा को चेंज करेगा, ठीक है। और जब भी यानी जो स्टोर बनेगा तो उसमें वो फंक्शन पहले से मैं बना दूंगा कि यार ये फंक्शन है जो कॉल हो सकते हैं, डायरेक्ट हाथ से डेटा को जाके कोई चेंज नहीं कर सकता। वो जितने भी डेटा होंगे हम उसका फंक्शन ऐड करेंगे। कोई एग्जांपल दो कि किस किस्म का डेटा हो सकता है, जैसे इज लॉगिन हमारा है, ठीक है, तो सेट लॉगिन सेट लॉगआउट दो फंक्शन होंगे। जब भी बंदा लॉगिन होगा मैं सेट लॉगिन का फंक्शन कॉल करूंगा, वो जाके चेंज करेगा डेटा को, मैं अपने हाथ से चेंज किसी को नहीं करने दूंगा, ठीक है। तो ये फंक्शन यहाँ पे बन गया। अब हम चलते हैं एक्चुअल जहाँ पे ये स्टोर है वहाँ पे चलते हैं। अच्छा, अगर आप कंपोनेंट नंबर 2 में जाकर देखेंगे ना तो वहाँ पे भी यही स्टेट एज इट इज़ एक्सेस हो रहा होगा। कंपोनेंट 2 में जाकर देखता हूँ मैं तो इसी तरह से यही स्टेट यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, और यहाँ पर भी इसको डिस्प्ले करवाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको ज़रा चला के भी देख लेते हैं जल्दी से, वेरी वेरी क्विकली। मैंने कहा कि npm इंस्टॉल, सही है, npm इंस्टॉल चलाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये रन नहीं होगा। आज की डेट में ये हो जाए,
अच्छा भैया इंस्टॉल हो गया, मैंने कहा npm स्टार्ट ताकि ये चल पड़े। पैकेज नॉट एक्सपोर्टेड, पैकेज एक्सपोर्ट नहीं हुआ, कोई मैंने चेंजेस तो नहीं किए अभी तक। अच्छा मैंने इसको अभी अभी गिट से क्लोन किया है, लेकिन ये कह रहा है कि गिट इनिशियलाइज नहीं हुआ भाई, ये क्या बकवास है। गिट इसके अंदर ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा वो हो गया है। वी एस कोड जो है ना, हाँ यार मुझे लग रहा है ये वी एस कोड को ना मुझे बंद करके खोलना होगा। वी एस कोड थोड़ा सा क्या हो गया मसला कर रहा है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई VS Code क्रैश हो गया। अच्छा ये प्रॉब्लम पता है क्या हुई है, ज़रा गौर से देखते रहो यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके ये प्रॉब्लम असल में ये हुई है कि पहले ना मैंने शायद यार्न से इसमें इंस्टॉल किया था डिपेंडेंसीज को, लेकिन अब की बार मैंने क्या कर दिया है इसको npm से इंस्टॉल कर दिया, तो ये लॉक फाइल ना दो दो बन गई है और ये कंफ्यूज हो रहा है आपस में कि लॉक फाइल में कौन सी चलाऊँ। ठीक है तो मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ तमाम चेंजेस को, और अब की बार मैं इंस्टॉलेशन किससे करने लगा हूँ, मैं yarn से करने लगा हूँ। इसके लिए yarn install लिख सकते हैं आप, ये सिर्फ yarn भी लिख सकते हैं, सही है। yarn npm की तरह होता है yarn भी, सही है। अच्छा यार्न इंस्टॉल कैसे होता है, npm से ही होता है, npm install माइनस जी और यार्न, तो वो ग्लोबली आपके पास ये यार्न ऑटोमेटिक अवेलेबल। यार्न को आप अलग से भी डाउनलोड कर सकते हैं npm जैसे करते हैं, जैसे Node.js के साथ होता है ना npm, ऐसे यार्न को अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन आप npm से ही इंस्टॉल कर लें दैट इज़ परफेक्टली फाइन। डिफरेंस कोई भी नहीं है, दोनों काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं दोनों। ठीक है जी ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई, अब मैं दोबारा से npm स्टार्ट चलाने की कोशिश करता हूँ, एंड आई होप कि इस बार ये स्टार्ट हो जाए। यार ये क्या बकवास है, एरर पैकेज पाथ नॉट एक्सपोर्टेड।
अरे यार ये क्या बकवास है, मसले करना। ये मैंने कहीं पे ना एक्सपोर्ट्स का इस्तेमाल किया है एस करके, जरा कंट्रोल एफ करके देखता हूँ कि एक्सपोर्ट्स का मैंने कहाँ इस्तेमाल किया है। वो एक्सपोर्ट्स जो है ना वो नए वाले पे चल नहीं रहा, ये नई वाली जावास्क्रिप्ट है इस पे नहीं काम कर रही। यार्न के साथ, यार्न ऐड से तो इंस्टॉल होता है ना नया पैकेज। अच्छा ये लाइन नंबर भी पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर है। नॉट मॉड्यूल में पोस्ट सीएसएस पार्सर करके कोई है उसमें हो रहा है। वेल तो ये वाली ऐप नहीं चल रही है, नो प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं इसी चीज़ को अपने पास अपनी ऐप में सेटअप करने के लिए हम कोशिश करते हैं। वो आई होप चल जाएगा, इसमें कोई सी एस एस का कोई पैकेज है इंटरनली, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया इसलिए रन नहीं हो रहा। अच्छा तो हम अपने ऐप में इसको मूव करने से पहले ना एक कॉन्टेक्स्ट जे एस और एक रिड्यूसर जे एस इस फाइल को भी हम ज़रा एक नज़र देख लेते हैं। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट डॉट जे एस की फाइल है। कॉन्टेक्स्ट डॉट जे एस की फाइल जो है ना वो काइंड ऑफ एक बॉयलर प्लेट है। आपने इसको ऐसे ही कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। और ये जो डेटा वाला आपका पोर्शन है ना, ये डेटा वाला जो जेसन है आपका, ये आपका इनिशियल स्टोर होगा, इनिशियल डेटा होगा। ठीक है, जैसे यूज स्टेट करते हुए आप एक इनिशियल डेटा देते ना कि शुरू में क्या हो, नल हो या एम्प्टी ऑब्जेक्ट हो या एम्प्टी एरे हो, तो ये शुरू में आप देंगे कि भाई डार्क थीम हो, यूज़र हो, यूज़र एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगा, डार्क थीम जो है शुरू में ट्रू होगा, लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ें आप दे रहे होंगे। और डार्क थीम आपको मिलेगा कैसे, स्टेट डॉट डार्क थीम करके मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे इसको गेट कर रहे हैं, कंपोनेंट वन में आता हूँ तो आप देखें कैसे मिल रहा है, स्टेट डॉट डार्क थीम। ठीक है, और ऊपर जो ये वाली चीज़ है ये भी काइंड ऑफ एक बॉयलर प्लेट होगा, तो एज इट इज़ ये कॉपी पेस्ट हो रहा होगा, दैट्स। तो ये मैंने कॉन्टेक्स्ट की फाइल आपको समझा दी कि कैसे चल रही है। ठीक है, ये पूरा बॉयलर प्लेट है, आपने इसको ऐसे ही लिखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी। एंड आई होप कि आप में से कोई ऑन द टॉप ऑफ दिस एक लाइब्रेरी लिखते हैं। ठीक है, ताकि हम जस्ट लाइब्रेरी से इंपोर्ट करें और प्रोवाइडर लगा दें, दैट्स इट। समझ लो, मे बी आप में से कोई लिख पाए। ठीक है, तो ये टॉपिक है आपके पास, अगर किसी ने ज़िंदगी में एक लाइब्रेरी लिख लेनी चाहिए थोड़ा, ताकि पता चल जाए लाइब्रेरी लिखते कैसे। अच्छा, दूसरी जो फाइल है ना हमारे पास रिड्यूसर डॉट जे एस, आप चेक करें कि इस स्टोर में ना रिड्यूसर को इम्पोर्ट किया हुआ है यहाँ पर ऑटोमेटिकली ना। ठीक है, तो रिड्यूसर के अंदर ज़रा चलते हैं और वहाँ पे क्या देख लेते हैं। रिड्यूसर के अंदर ये भी एक बॉयलर प्लेट कोड है। ठीक है, रिड्यूसर्स लाइक दैट, ये बॉयलर प्लेट कोड है। ठीक है, ये आपके जो केसेस है ना, ईच केस, अब आपको कोई नया फंक्शन बनाना है, आप ये केस एक डुप्लीकेट मारेंगे और क्या करना है आपने, सेट लॉगआउट, राइट। सेट लॉगआउट में क्या होना चाहिए, ये रिटर्न कौन सा वाला है, तीन डॉट स्टेट याद आ रहा है कि जो भी यहाँ से आप रिटर्न करेंगे ना, दैट वुड बी अ न्यू स्टेट। तो मैंने कहा कि स्टेट में जो कुछ भी है उसको तीन डॉट करके पहले स्प्रेड करो, यहाँ सब कुछ लगाओ। डार्क थीम इज इक्वल टू स्टेट डॉट डार्क थीम पे नॉट लगा के आपने कर दिया कि भाई टॉगल। ठीक है, तो यहाँ पे सेम काम हो रहा है लेकिन बीच में एक लेयर है कि भाई फंक्शन करेगा वो काम, डायरेक्ट नहीं कर सकते आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, रिड्यूसर को बीच में से माइनस कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि रिड्यूसर बीच में इन्वॉल्व रहेगा, ताकि हर कोई अगर हाथ से चेंज करने लग गया ना तो कुछ डेटा की इंटीग्रिटी ख़राब हो जाएगी हमारी। ठीक है, डेटा कोई मिस स्पेल कर देगा, मिसाल के तौर पे किसी ने डार्क थीम की जगह स्मॉल टी करके सेट कर दिया ना अगर, तो डार्क थीम डबल हो जाएगा, एक स्मॉल टी से अलग, एक कैपिटल टी से अलग। अब कोई उसको गेट कर रहा होगा, स्मॉल से वो मिल रहा होगा उसको, बोलेगा यार ये तो स्मॉल से भी मिल रहा है, डार्क से भी मिल रहा है। तो ये इस तरह के मसले हो सकते हैं, क्योंकि छोटी एप्लीकेशन में तो आप ही कर रहे हैं सिर्फ काम, लेकिन जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन ग्रो करती है तो चार कंपोनेंट पे चार अलग अलग लोग काम कर रहे होते हैं। तो जब चार अलग अलग लोग काम करेंगे ना, तो मिसाल के तौर पे मैंने अगर बनाया है स्टेट शुरू में और मैंने बाद में तीन डिवेलपर हायर किए हैं, तो मेरा हायर किया हुआ डिवेलपर उस डेटा को हाथ से डायरेक्टली चेंज कर सकता है, वो फंक्शन कॉल करेगा और वो फंक्शन मैं बनाकर दूंगा उसको, ठीक हो गया ना। तो वो कभी भी उसको मिस्टेक कर ही नहीं सकता, वो फंक्शन मैं बना कर दूंगा, वो फंक्शन को जस्ट कॉल करेगा, तो डेटा स्टोर को मैं ही देख रहा हूँगा एज अ क्रिएटर या एज अ लीड डेवलपर। अच्छा जी, तो ये हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं जी,
हम एक न्यू विंडो खोलते हैं, अपनी वापस उसी ऐप में चलते हैं जिस ऐप में हम थे पहले, और ये बैज 8 वाला है ना हमारा, ठीक है जी। तो ये बैज 8 में आ गए हम, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसी फोल्डर की एक कॉपी बना लेता हूँ जो JWT auth और CRUD ऑपरेशन करके था। इसको हम इंक्रीमेंटल वे में लेके चल रहे हैं। कहाँ से शुरू किया था हमने, ये रेस्टफुल API CRUD ऑपरेशन से शुरू किया था, और ये 5, 6, 7, 8 और अभी ये 9 के नाम से फोल्डर बनने जा रहे हैं। तो ये 1, 2, 3, 4 फोल्डर जो है ये इंक्रीमेंटल वे में हमने एक ही ऐप को ग्रो करवाया है, ठीक है। स्टिल ये कॉपी हो रहा है, जैसे ही कॉपी कंप्लीट होता है इसको मैं रीनेम कर पाऊंगा उसके बाद। आज की डेट में चलो भाई हो गया ये, तो हम इसको कर देते हैं 9 और हम इसको कह देते हैं के कॉन्टेक्स्ट API, सही है। और लास्ट में मैं CRUD इसके स्टिल इन्वॉल्व रखूँगा ताकि ये पता चले कि वही है। रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट API मैंने इसका नाम रख दिया। अच्छा अब मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। 143 चेंजेस ये बता रहा है, ठीक है। मैंने कहा कि न्यू फोल्डर, वेब वाले फोल्डर में जाकर इसके SRC में जाकर मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या ला के पेस्ट कर देना है, मेरा पूरा का पूरा ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना यहाँ पे, ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है ये मैंने ला के इधर पेस्ट कर देना है, ठीक है। बॉयलर प्लेट कोड है क्योंकि ये समझ लो, ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये जो दो फाइल्स हैं ये दोनों क्या है, ये दोनों बॉयलर प्लेट है, सही है। अच्छा उसके बाद अब कंपोनेंट 1 के अंदर मैं जाता हूँ, और कंपोनेंट 1 के अंदर जाके मैं क्या चीज़ यहाँ से कोड कॉपी कर लेता हूँ कि इस चीज़ को कंपोनेंट के अंदर इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो ये दो लाइन है सबसे पहले तो इम्पोर्ट करने वाली, तो मैं अपने कौन से कंपोनेंट में जाना चाहता हूँ, मैं लॉगिन के कंपोनेंट में जाके सबसे पहले इस बात को इनिशियलाइज करना चाहता हूँ। तो मैं login.jsx में चला जाता हूँ और यहाँ पे ये दोनों चीज़ों को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। अच्छा इम्पोर्ट में ये सम टाइम एरर दे देता है क्योंकि ज़ाहिर है आपका फोल्डर का स्ट्रक्चर एक ऐप का दूसरी ऐप से मुख्तलिफ हो सकता है, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि मैं कंपोनेंट के फोल्डर में हूँ तो मैं एक स्टेप बैक करूँगा तो मैं आ जाऊँगा कॉन्टेक्स्ट में। या मे बी आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको हटा के आप ऐसे करके दोबारा से वो करना है, ठीक है। तो मतलब बात सही है यहाँ, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरा मुझे एक लास्ट चीज़, सॉरी इनिशियलाइजेशन का पूरा कोड तो नहीं उठाया ना मैंने, इसको भी कॉपी कर लिया, सही है। अच्छा ये काम मैं हमेशा कहाँ करूँगा, कंपोनेंट के फंक्शन के अंदर करूँगा क्योंकि ये क्या है, ये एक यूज़ स्टेट की तरह का ये यूज़ कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट के अंदर करने वाला काम था वो भी मेरा हो गया, राइट। अच्छा अब एक लास्ट चीज़ मेरे पास है कि index.js के अंदर ना ये जो प्रोवाइडर पकड़ा हुआ है हमने, ये प्रोवाइडर मुझे भी अपनी ऐप में भी लगाना होगा। तो मैं अपनी ऐप में index.js में चला जाता हूँ और यहाँ पे ये प्रोवाइडर इंपोर्ट कर लेता हूँ। इस प्रोवाइडर का पाथ मुझे ख्याल रखना होगा, सही लग रहा है, एरर तो नहीं दे रही। और मैं क्या करूँगा, ब्राउज़र राउटर से भी पहले इसको मैं लगा दूँगा, कॉन्टेक्स्ट API प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये मैंने, अब मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास दो प्रोवाइडर लग गए हैं, एक ब्राउज़र राउटर का प्रोवाइडर और एक वो वाला। अच्छा अब सवाल ये है कि इसमें पहले ब्राउज़र वाले को लगाएं या पहले इसको लगाएं, ठीक है। तो इसका जवाब ये है कि पहले मुझे कौन सा वाला चाहिए होगा, पहले मैं किस पर डिपेंडेंट हूँ। तो पहले डेटा मुझे कॉन्टेक्स्ट में मिलेगा और ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा मैं राउटिंग करूँगा, ठीक है। तो राउटर वाला मैंने अंदर कर दिया। अच्छा सम टाइम आपको खुद ही पता चल जाता है क्योंकि एरर आ जाता है, क्योंकि जो चीज़ बाहर होगी ना या जो चीज़ अंदर होगी तो वो मतलब डिपेंडेंसी अगर एक दूसरे पे और आपने उसको रॉन्ग लगा दिया तो एरर दे दे, वो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा वाला सीन है, तो वो आपको उससे भी पता चल जाता है जब आपके पास एरर आता है। तो अगर एरर नहीं आ रहा है तो मतलब सम टाइम इसका सीक्वेंस मैटर नहीं करता कि कौन सा पहले लगा हुआ है कौन सा बाद में।
अच्छा तो ये सारा काम हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले को पीछे जो विंडो थी उसको क्लोज कर देता हूँ। अब सिर्फ ये हमारी ऐप है, जो सारा कुछ इसमें चाहिए था वो सारा कुछ मैं इसमें ला चुका हूँ। अच्छा मेरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं जाता हूँ, मेरे पास पहले से एक यूज़र के नाम का फील्ड मौजूद है, मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, इस लॉगिन करके एक लगा देता हूँ। और शुरू में इसको क्या रखता हूँ मैं, नल। ठीक है, नल रखने का वजह रीज़न क्या है शुरू में, क्योंकि दो अप्रोच हो सकती है ना कि जब मेरा पेज लोड हो तो डायरेक्ट लॉगिन की स्क्रीन दिखे, लेकिन सवाल ये है कि बंदा अगर लॉगिन है पहले से और रिफ्रेश किया तो पहले लॉगिन दिखेगा फिर डैशबोर्ड दिखेगा, बैड एक्सपीरियंस। या मैं ये करूँ कि जैसे ही पेज लोड हो तो डायरेक्ट डैशबोर्ड पे ले जाऊँ लेकिन बंदा लॉगिन तो है नहीं, तो जब रिफ्रेश होगा तो पहले डैशबोर्ड दिखेगा फिर लॉगिन दिखेगा, क्या होगा? तो हम एक्चुअल में करते ही हैं, इसका जो ऑप्टिमल जो हल है हम ये करते हैं कि हम जब पेज लोड होता है ना तो हम ना लॉगिन का पेज दिखाते हैं ना ही डैशबोर्ड दिखाते हैं, हम एक स्प्लैश स्क्रीन दिखा देते हैं। और वो स्प्लैश स्क्रीन जो है जब तक दिखाते हैं जब तक हम ये सर्वर से मेक श्योर ना कर लें कि बंदा लॉगिन है या नहीं। ठीक है, तो लॉगिन होने की सूरत में फिर लॉगिन पेज, अदरवाइज डैशबोर्ड। तो इस तरह करके दिखाते हैं। आपने अक्सर ऐप्स में देखा होगा कि जब वो ऐप खुलती है तो पहले स्प्लैश स्क्रीन आता है, जैसे कि जीमेल वगैरह, ठीक है, और बहुत सारी ऐप तो बीच में एक लोडर सा एक स्क्रीन के मिडल में बिल्कुल आपको दिख रहा होता है। ठीक है, स्प्लैश स्क्रीन अगर किसी को नहीं आइडिया तो मैं ज़रा एक दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरह की जो स्क्रीन होती है उसको हम स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं, मोबाइल ऐप्स में तो ये बहुत ही कॉमन है। ठीक है, वेबसाइट में ये किस तरह की हो सकती है, वेबसाइट में भी आपने वैसे देखी भी होगी, आइडिया तो हो गया होगा आपको। वो ले दे के यही वाला दिखा रहा है बार बार। ठीक है, चलो मैं वैसे ही दिखा देता हूँ ना, एक असली अटेंडेंस है ये स्प्लैश स्क्रीन में। सही है, आपकी मर्जी, आप जैसी स्प्लैश स्क्रीन चाहें आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही उसको वेरीफाई हो गया तो उसने ये डैशबोर्ड डायरेक्ट खोला, उसने लॉगिन वाली स्क्रीन नहीं खोली। ठीक है, ये वो अटेंडेंस की ऐप है जो हम कुछ दिन पहले काम कर रहे थे। बाई द वे ये प्रोडक्शन में ये असल में एक दूसरी जगह क्लास होती है रेंजर्स पब्लिक स्कूल में, तो वहाँ पे अटेंडेंस मैंने करनी होती है खुद, तो वो वैक्सल की शीट पे भाई एक बहुत बड़ा अभाव है। तो रातों रात फिर मैंने जो है ना एक ऐप तैयार की, उसमें बस स्कैन होता है ना पीछे डेटाबेस पे, मुझे रोल नंबर मिल जाते हैं, अब बाद में उसको मैं कॉपी करके फिलहाल के लिए एक्सेल शीट पे कर देता हूँ। मेरी ज़िंदगी में सुकून आ गया है इतना ही करने से। सही है, तो सुकून आ गया तो आगे बनी नहीं है, वैसी खड़ी हुई है अभी तक। ठीक है, वरना जब 15 से 20 मिनट यार, कि मतलब 20-25 स्टूडेंट वहाँ पे हैं एटलीस्ट, 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, तो एक एक का नाम पुकारा उसको आवाज़ नहीं जा रही है, फिर वो थोड़ी देर बाद आता है वो कहता है सर मैं तो बैठा हुआ था मैं बोलना भूल गया प्रेजेंट। अब वो किसी की कोई और कभी बोल दे प्रेजेंट, पता नहीं, ये अजीब सा था। मैं बंदे के रूँ बंदे 12 बैठे हैं, अटेंडेंस मेरे पास पूरी आ रही है, इस तरह के मसले होना शुरू हो गए थे, मतलब समझ रहे हो। तो फिर बड़ा मसला हो गया था। एक दफ़ा पेपर पे मैंने कहा भाई अपना अपना नाम लिखो पेपर पे, अब वो नाम भी 2-3 लड़कों के एक ही नाम है। तो ये भी एक मसला है। एक साथ में जो है ना, मतलब एक अली मुर्तज़ा है, एक मोहम्मद अली है, एक मोहम्मद मुर्तज़ा है, अब वो सिर्फ मुर्तज़ा लिख दिया उसने, तो अली मुर्तज़ा है या मोहम्मद मुर्तज़ा है? ऐसे गंभीर मसले हो गए ना, रात को नींद नहीं आ रही थी मुझे यार, ये क्या हो गया। अब सेट हो गया है वो मसला। अब इसमें होता कुछ यूँ है कि ये ऐप खुलती है और बंदा यहाँ पे अपना आके ना वो QR कोड यूँ दिखाता है, तो वो स्कैन हो गए वो रोल नंबर डेटाबेस में चला जाता है फ़ौरन, क्योंकि इसका एक्सेस सिर्फ मेरे पास है, तो मैं अपने ही लैपटॉप में खोल के ना लैपटॉप वैसे उनके सामने कर दूँ, मैं कहता हूँ लाइन में लगो स्कैन करो जैसे तुम लोगों ने किया था पहले। सही है, तो आई होप कि बहुत जल्दी इसको मैं थोड़ा सा और कम्प्लीट करके एक्सेल की शीट से थोड़ा साइड पे करके फिर यहाँ पर भी ना ये वाली ऐप लग जाएगी। आई होप मे बी आप में से कोई अगर बेहतर बना ले मुझसे पहले तो आपकी लग सकती है। वेल यार वापस आ जाते हैं हम यहाँ पे। तो मैंने इस लॉगिन को नल क्यों रखा है, ताकि मैं शुरू में मुझे पता हो कि अभी तक सर्वर से कन्फर्मेशन नहीं आई है कि फॉल्स है या ट्रू। ठीक है, तो नल है, तो ये हो गया मेरा मसला हल। तो अब मैं क्या करूँगा, हाँ नहीं कोड पब्लिक नहीं है, कोड पब्लिक क्यों होगा,
कोड पब्लिक कर सकता हूँ मैं, बाद में ओपन सोर्स कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि असल में ये ऐप यहाँ लगने लगी है ना, तो आई हैवन डिसाइडेड कि उसको, क्योंकि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट ओपन सोर्स करना होता है ना, तो पहले दिन से उसकी एक प्लानिंग होती है कि किसी भी किस्म का कोई सेंसिटिव डेटा फिर आप उसमें नहीं रखते, ठीक है। सेंसिटिव डेटा इस सेंस के पासवर्ड और क्रेडेंशियल्स की बात नहीं हो रही, और भी कुछ चीज़ें होती हैं, तो आप उसकी जो कोडिंग है ना उसको बिल्कुल न्यूट्रल रखते हैं, ठीक है। अभी उसमें वो न्यूट्रल नहीं है कोडिंग, एक्चुअली उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं। तो वेल, अच्छा यार हमारे पास टाइम हो चुका है पूरा। अच्छा जी, तो हमारे पास अब क्या होगा कि ये जो स्टेट है, इस स्टेट में हमें क्या मिल रहा होगा, इस लॉगिन ट्रू फॉल्स मिल रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे प्रिंट करवा के देख लेता हूँ, लॉगिन की स्क्रीन पे मैं इसको प्रिंट करवा के देख लेता हूँ, ठीक है। स्टेट डॉट इज लॉगिन, ये अभी नल मिल रहा होगा, सही है। तो नल तो प्रिंट नहीं होता एक्चुअली, हमें काम करते हैं कुछ और प्रिंट करवा लेते हैं। मैं यहाँ पे कह देता हूँ भाई टेक्स्ट, कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, ये इनिशियल वैल्यू मैंने लिख दी टेक्स्ट की, तो मैं इस टेक्स्ट को प्रिंट करवा लेता हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि ये चलने लग गया, सही है। स्टेट यहाँ पे मुझे मिल रहा है जस्ट टू मेक श्योर। अच्छा, इसको रन नहीं किया है हमने आई थिंक अभी तक, ठीक है। npm start enter, sorry npm start नहीं, npm run tab, ठीक है। मैंने सर्वर को भी रन कर दिया और फ्रंट एंड को भी रन कर दिया है। अब ज़रा देखते हैं कि फ्रंट एंड जब मेरे पास खुलता है, तो ये मेरी लॉगिन की स्क्रीन है, इसके ऊपर मैंने क्या प्रिंट करवाया था, वो जो टेक्स्ट था उसको मैंने प्रिंट करवा दिया था। तो अब देखते हैं ज़रा कि वो टेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट हुआ है कि नहीं हुआ। टेक्स्ट तो प्रिंट नहीं हुआ है भाई, टेक्स्ट ही तो लिखा था मैंने, सही तो लिखा हुआ है। Why is not getting printed? सही है, लॉगिन डॉट जे एस एक्स, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, परफेक्टली फाइन। दिस इज लॉगिन पेज के बाद ये टेक्स्ट प्रिंट होना चाहिए था, दिस इज लॉगिन पेज के बाद ये टेक्स्ट प्रिंट नहीं हुआ, वाई इज दैट, किसी को समझ आ रहा है ऐसा क्यों हो सकता है? ज़रा एक दफ़ा हम रिड्यूसर को देख लेते हैं और प्रोवाइडर को देख लेते हैं, प्रोवाइडर बिल्कुल ठीक है। और कुछ हमने मिस कर दिया क्या? सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। स्टेट डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट सही तो है। सॉरी, सेव हुआ है, नहीं कॉन्टेक्स्ट इंस्टॉल नहीं करना होता, वो रिएक्ट का अपना होता है। ये क्या मैंने मिस कर दिया इसके अंदर, ग्लोबल ग्लोबल, अच्छा ये यूज़ कॉन्टेक्स्ट को मैं इसके साथ रख सकता हूँ, इसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यूज़ स्टेट और यूज़ कॉन्टेक्स्ट एक साथ ऐसे लगा सकता हूँ, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। एरर भी नहीं है कोई, हाँ कंसोल करा लेता हूँ उसको, मे बी वो प्रिंट होन किसी और वजह से ना हो। तो मैं यहाँ आता हूँ और स्टेट को मैं क्या करवा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग के ऊपर स्टेट डॉट टेक्स्ट को प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ। अभी तो मैं साइन अप की स्क्रीन पर लॉगिन पे जाऊंगा तो प्रिंट होगा। अच्छा, स्टेट डॉट टेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट हो रहा है लेकिन स्क्रीन पे प्रिंट नहीं हो रहा,
ऐसा कैसे हो सकता है? स्टेट डॉट टेक्स, जरा मैं दिस इज लॉगिन पेज के साथ प्रिंट करता हूँ अगर तो। अच्छा अब हो गया, पहले नहीं हो रहा था। नहीं टैग के बाहर लगाऊं तो भी होना चाहिए था। कंट्रोल जेड करता हूं मैं कि पहले मैं क्या ऐसा कर रहा था जिसकी वजह से नहीं हो रहा था। स्टेट डॉट टेक्स्ट टैग के बाहर भी होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? अबे अब हो गया, ठीक है अब आ सकते हैं। पता नहीं है, चलो खैर। तो हमें ये पता चल गया कि स्टेट के अंदर जो भी वैल्यू है इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये जस्ट हमने टेस्ट करने के लिए लगाया था। तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर कोई भी बात यहाँ पे लिखी हुई हो तो मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इस लॉगिन के नल होने पे क्या करवा देता हूँ, ऐप डॉट जे एस में जाके मैं स्प्लैश स्क्रीन दिखा देता हूँ, है ना। इस लॉगिन के ट्रू होने पर मैं क्या दिखा देता हूँ, डैशबोर्ड दिखा देता हूँ, नेविगेशन बार जो पूरा मेरा बना हुआ है सेटिंग हुई हुई है। तो मैं ऐप डॉट जे एस के अंदर जाके भी ना इसको इम्पोर्ट करता हूँ। क्या क्या इम्पोर्ट कर लेता हूँ मैं, ये दोनों ऊपर की चीज़ है, यही चाहिए होगा ना मुझे यहाँ पे भी, ठीक है। ये दोनों ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट और ये दोनों चीज़ें मैंने उठा ली यहाँ पे। अच्छा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट का पाथ यहाँ पे जो है वो आई होप चेंज होगा क्योंकि एक डॉट लगेगा इसमें, है ना, क्योंकि अब एक फोल्डर बाहर है, वो एरर भी दे दिया था उसने नीचे फॉरन। दूसरा मुझे लॉगिन के अंदर जो ये वाला बनाया था मैंने, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे चाहिए होगी, कहाँ पे, ऐप डॉट जे एस के अंदर। तो अब जो मैं ये इस लॉगिन बनाता था इस कंपोनेंट के अंदर, अब मैं कहाँ पे बनाऊँगा, बाहर बनाऊँगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि अब इस स्टेट की मुझे ज़रूरत इस वाले की मुझे नहीं है, राइट right? अच्छा फॉर द टाइम बींग मैं क्या करता हूँ, इस लॉगिन को फॉल्स कर देता हूँ, सही है, फॉर द टाइम बींग थोड़ी देर के लिए फॉल्स कर देता हूँ, ताकि क्योंकि इस लॉगिन जो मेरा ये वाला स्टेट था ये भी क्या था, शुरू में फॉल्स रहता था ये। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जहाँ जहाँ पे इस लॉगिन लगा हुआ था वहाँ वहाँ पर अब मैं क्या लगा सकता हूँ, स्टेट डॉट इज लॉगिन लगा सकता हूँ, राइट ठीक है। स्टेट डॉट इज लॉग इन मैंने लगा दिया, सही हो गया। जहां जहां पे लॉग इन लगा हुआ था इज लॉग इन वहां वहां पे मैंने स्टेट डॉट इज लॉग इन लगा दिया, तो फॉल्स होगा तो ये तो चलेगा नहीं, जो नॉट वाला है ना वो चल जाएगा। नॉट वाला कौन सा था इसमें से, अच्छा सही है एल्स में हुआ है ना, ये नॉट वाला केस नहीं है यहाँ पर, सही है। इस लॉगिन अगर ट्रू होगा तो ये चलेगा, अगर फॉल्स होगा तो ये चलेगा। तो क्योंकि फॉल्स है इसमें तो नेविगेशन बार ये वाला दिखेगा और राउट्स हमें ये वाले दिखेंगे दोनों। एरर इसमें आया हुआ बाय द वे, सेट इज लॉगिन इज नॉट डिफाइंड। अच्छा अब सेट इज लॉगिन जो होता था उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, उसकी जगह पे हमारे पास एक अदद रिड्यूसर बनेगा, सही है रिड्यूसर, सही है। सेट इज लॉगिन में ट्रू फॉल्स होता था ना, सेट इज लॉगिन में क्या होता था, ट्रू फॉल्स होता था। तो मैंने बोला कि भाई यूज़र लॉग आउट यूज़र लॉग इन लाइक दिस, जब यूज़र लॉग आउट होगा तो यूज़र नल हो जाएगा, और मतलब यूज़र का भी एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना जो सब जगह मुझे अवेलेबल चाहिए। वेल अभी मैं यूज़र के ऑब्जेक्ट को छोड़ देता हूँ, अभी मैं कहता हूँ कि यार जब यूज़र लॉग आउट कॉल किया जाए, सही है, तो क्या हो जाए, इज लॉग इन क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, सही है। अच्छा जब यूज़र लॉगिन कॉल किया जाए तो क्या हो जाए, इज लॉगिन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। तो ये मैंने दो फंक्शन बना दिए, राइट। एरर किस खुशी में, अच्छा ये एरर इस वजह से आ रहा है। तो अब मैं कर सकता हूँ यूज़र लॉगिन और यूज़र लॉग आउट का डिस्पैच कर सकता हूँ, ठीक है। टॉगल थीम बना हुआ है इसको हम छोड़ देते हैं। तो अब जो मैं वहाँ से करता था कि सेट इज़ लॉग इन ट्रू या सेट इज़ लॉग इन फॉल्स, उसकी जगह मैं ये दोनों काम कर रहा हूँ। कैसे करूँगा मैं, आ जाते हैं ज़रा ऐप डॉट जी एस के अंदर आ जाते हैं, और कहाँ पे था वो सेट,
सेट इज लॉगिन कहाँ करता था मैं? अच्छा ये तो मैंने वैसे ही कल एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा था, ये इसकी एक्चुअल में ज़रूरत तो नहीं है, है ना? वो तो वैसे ही मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिख दिया था, ठीक है। एक्चुअल में तो हम सेट इज़ लॉगिन करेंगे, लॉगिन के पेज से करेंगे ना हम तो, एक्चुअल में लॉगिन के पेज से हम ये कर रहे होंगे काम। तो चलते हैं लॉगिन के पेज पर, और लॉगिन के पेज पर जाकर हम कहते हैं कि लॉगिन हैंडलर exhaust.post, और जब लॉगिन का फंक्शन चले तो उसके देन पे, यानी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक तो मेरे पास था स्टेट और एक था डिस्पैच, तो मैं यहाँ पे करूँगा डिस्पैच, ठीक है। और डिस्पैच करते हुए मैं क्या करूँगा, ऐसे ऑब्जेक्ट लगाऊँगा इसमें, मैं लिखूँगा टाइप, और टाइप करके मैं वो वाले बात का नाम लिख दूँगा, यूज़र लॉगिन वाला, ये बात लिख दूँगा, ठीक है, यूज़र लॉगिन। और उसके नीचे पेलोड जो होगा वो क्या होगा, एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगा, सही है, या नल होगा, क्योंकि इस वक्त मेरे पास कोई पेलोड नहीं है जो मैं भेज रहा हूँ, मैं सिर्फ क्या भेज रहा हूँ उसके पास, एक बात कह रहा हूँ कि यूज़र लॉगिन हो गया, दैट्स इट। तो अब हम आते हैं, अगर अच्छा आप देखो लॉगिन का कंपोनेंट एक अलग कंपोनेंट है, राइट। एक ज़रा गो थ्रू कर लेते हैं हम कि लॉगिन के कंपोनेंट में क्या हो रहा है। ये एक लॉगिन का कंपोनेंट है, इसमें ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मैंने ऊपर इंपोर्ट किया, यहाँ पे स्टेट को इनिशियलाइज़ किया कि भाई इधर ये स्टेट इस्तेमाल होगी, स्टेट इसमें हम एक्सेस नहीं कर रहे हैं, बट सिर्फ चेंज कर रहे हैं, डिस्पैच वाला काम कर रहे हैं, स्टेट हम इसमें उठा के इधर रख नहीं रहे, लगा नहीं रहे, ठीक है। दोनों चीज़ें रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, बट अभी लॉगिन के कंपोनेंट से हम सिर्फ राइट कर रहे हैं। राइट क्या करते हैं, बंदा अपना ईमेल लिखेगा, पासवर्ड लिखेगा, लॉगिन का बटन प्रेस करेगा, इंटरनेट पे एक रिक्वेस्ट लगेगी, अगर वो रिक्वेस्ट वापस आती है और वो सक्सेसफुल होती है तो हम यहाँ से बोलेंगे कि क्या कर दो, इस लॉगिन को ट्रू करवा दो, हम ये बोल देंगे, सही है। इस लॉगिन जैसे ही ट्रू होगा तो उसके ट्रू होने का जो कॉन्सिक्वेंस है वो क्या होगा, वो ये होगा कि इस लॉगिन जो है कहाँ पर लगा हुआ है, ऐप डॉट जे एस में लगा हुआ है, ठीक है, ऐप डॉट जे एस में लगा हुआ है ये इज लॉगिन, और ये अभी फॉल्स है, इनिशियली ये फॉल्स रखा गया है फिलहाल के लिए। तो फॉल्स होने का मतलब ये है कि अगर इज लॉगिन फॉल्स है तो नेविगेशन बार ये वाला दिखना चाहिए, और अगर ट्रू हो जाएगा तो नेविगेशन बार ये वाला दिखना चाहिए। तो उसके ट्रू होने का कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि नेविगेशन बार फौरी तौर पर चेंज हो जाएगा मेरी स्क्रीन पर, और जो राउट्स हैं अगर इज लॉगिन ट्रू है तो राउट में होम अबाउट गैलरी आना चाहिए, अदरवाइज राउट्स में लॉगिन और साइन अप का पेज आना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये फॉल्स है तो लॉगिन साइन अप के राउट को एक्सेस किया जा सकता है, जैसे ही ये ट्रू हो जाएगा तो ये लॉगिन का पेज ही गायब हो जाएगा, इसको एक्सेस नहीं किया जा सकेगा अगर, और स्लैश के पाथ पे जहाँ पे लॉगिन का पेज होता था अब स्लैश के पाथ पे कौन सा पेज रख दिया जाएगा, होम का पेज। तो जैसे ही वो ट्रू होगा ना लॉगिन का पेज खुद से गायब हो जाएगा और उसकी जगह होम का पेज नजर आना शुरू हो जाएगा, ये कॉन्सिक्वेंस इसका होना चाहिए, ठीक है। रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, इसको क्लियर कर देता हूँ, और कंसोल में चलते हैं हम, और लॉगिन का बटन जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे एरर आ जाता है 401, क्योंकि मेरे सर्वर पे होपफुली कोई एरर आया है, ये कह रहा है कि यूज़र नॉट फाउंड, क्या लगाया था हमने यूज़र, abc@sysborg लगाया था, 1 2 3 4 5, हाँ malik@sysborg लगाया था, और 1 से लेके 5 तक। तो जैसे ही देखो मैंने लॉगिन का बटन प्रेस किया, अच्छा लॉगआउट तो अभी मेरे ख्याल है काम नहीं कर रहा हमारा, वेल तो देखो जैसे ही हमने लॉगिन का बटन प्रेस किया, अच्छा वो तो दोबारा से ईमेल वही आ गया ना, malik@sysborg.com 1 2 3 4 5, जैसे ही हमने लॉगिन का बटन प्रेस किया और उसका रिस्पांस सक्सेसफुल आया तो फौरन लॉगिन का पेज खुद गायब हो गया और नेविगेशन बार भी चेंज हो गया, ये लॉगिन का कॉन्सिक्वेंस था हमारे पास, सही हो गया, बेहतरीन हो गया। अब किसी भी कंपोनेंट में पूरी ऐप के मुझे ये इज़ लॉगिन अवेलेबल रहेगा जो मैंने सेट कर दिया है, अनटिल एंड अनलेस के मैं अपने ऐप को रिफ्रेश ना करूँ,
जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा ये कॉन्टेक्स्ट इसका ख़त्म हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट क्योंकि जस्ट एक स्टेट वेरिएबल है, स्टेट वेरिएबल पेज रिफ्रेश करने से ख़त्म हो जाता है, खाली हो जाता है, राइट? ऐसा ही है। अच्छा तो अब मैं क्या करूँ, जब पेज रिफ्रेश होगा तो मुझे तो लॉग इन स्टेट में अगर है तो लॉग इन स्टेट में ही दिखाना है, तो उसके लिए मैं अपने ऐप डॉट जे एस की फाइल में जैसे ही मेरी ऐप लोड होगी मैं एक रिक्वेस्ट भेजूंगा, कहाँ पर, सर्वर पे, प्रोफाइल गेट कर लूँ मैं, कुछ भी, कोई ऐसी चीज़ गेट करूँगा जो लॉगिन के बगैर नहीं होती, अगर वो गेट हो जाती है तो मैं ये समझ लूँगा कि लॉगिन है। सही है, आसान तरीका। मैंने कहा कि भाई यूज़ इफेक्ट बनाओ इधर एक, यूज़ इफेक्ट बनाओ और क्या करो, लॉगिन वाले पेज पे जाता हूँ मैं और ये बेस यूआरएल यहाँ से उठा लेता हूँ और एक रिक्वेस्ट का पूरा ऑब्जेक्ट भी एक्चुअली में यही होगा, इसी तरह का होगा, ये बना लेता हूँ मैं, इसको कह देता हूँ कि कॉन्स्ट गेट प्रोफाइल। सही है, गेट प्रोफाइल ये कर रहा होगा और मैं इसको कह देता हूँ कि यार प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल का आई थिंक हमारे पास बना हुआ भी है ना, वो एक राउट हमारे पास बना हुआ है प्रोफाइल का, नहीं बना हुआ, स्लैश क्या बना हुआ, स्लैश यूज़र बना हुआ है शायद, स्लैश प्रोडक्ट बना हुआ है, राइट? सही है, स्लैश प्रोडक्ट बना हुआ है। सही है, स्लैश प्रोडक्ट्स बना हुआ है, तो ये स्लैश प्रोडक्ट ऐसी जगह पर है कि लॉगिन अगर कोई बंदा नहीं है तो ये एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो मैं फिलहाल के लिए स्लैश प्रोडक्ट बना देता हूँ, एक्चुअल में ये होगा स्लैश प्रोफाइल। तो मैं ऐप डॉट जे एस के ऊपर जैसे ही मेरी ऐप लोड होती है तो मैं स्लैश प्रोडक्ट्स के ऊपर एक रिक्वेस्ट मांगूंगा, ठीक है, बॉडी इसका तो कुछ होगा नहीं, बॉडी तो खाली होगी, ठीक है, और ऑप्शंस गेट की रिक्वेस्ट होगी ये एक्चुअली, अच्छा यार मुझे दो मिनट दीजिएगा, मैं ज़रा ब्रेक लेता हूँ दो मिनट का, तवज्जो प्लीज़ तवज्जो। अच्छा तो मेरे पास एक स्लैश प्रोडक्ट जो है ना मेरे सर्वर पे बना हुआ है, स्क्रीन गई, ऐसा कैसे हो गया, अच्छा अच्छा तो मैं क्या कर देता हूँ, गेट प्रोफाइल की एक एपीआई कॉल करता हूँ विथ क्रेडेंशियल ट्रू, तो अगर मुझे इसका रिस्पांस मिल जाता है, रिस्पांस अगर मेरे पास आ जाता है इसका, तो मैं क्या समझूंगा कि डिस्पैच और डिस्पैच की जो टाइप क्या थी, ठीक है, मैं हमेशा जाके रिड्यूसर में से देखूंगा कि क्या टाइप मैंने डिस्पैच करनी है, यहाँ से मैं बोलूँगा यूज़र लॉगिन है, सही है, यूज़र लॉगिन की मैंने टाइप दे दी। अच्छा साथ में इसके मैं पेलोड ना भी दूँ तो खैर है, मतलब नल, अगर मैं पेलोड नहीं दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अनडिफाइन ही मिल रहा होता है। ठीक है तो अब देखते हैं कि रीलोड होने पे वो मुझे दोबारा से वहाँ ले जाता है कि नहीं ले जाता। अच्छा जी ये मैंने इसको रीलोड किया, ये क्या हो जा रहा है, अच्छा स्लैश प्रोडक्ट्स में इसको कुछ मसला हो जा रहा है, मॉड्यूल बिल्ड फील्ड दिस दिस दिस, यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक क्या की है मैंने यहाँ पे, हाँ यस एसिंक नहीं किया इसको मैंने, हाँ यही मसला है। अच्छा एक्सियोस ऊपर रिक्वायर नहीं हुआ है, बेस यूआरएल इसको पता नहीं चल रहा, बेस यूआरएल तो मैं लेकर आया था अभी, अच्छा बेस यूआरएल, ओ मैंने यूज़ इफेक्ट दो दफ़ा बना दिया, सॉरी वो मैंने पेस्ट ना लॉगआउट हैंडलर में, लॉगआउट हैंडलर तो खाली है ना अभी हमारा, वो मैंने इधर पेस्ट करना था, वो मैंने गलती से ऊपर पेस्ट किया हुआ। सही है जी, तो मैंने यूज़ इफेक्ट के अंदर गेट प्रोफाइल यहाँ पे बना दिया और नीचे फ़ौरन ही बनाने के फ़ौरन बाद इसको मैंने क्या कर दिया, कॉल कर दिया, ठीक है।
ठीक है, ताकि यूज़ इफेक्ट में ये एक दफ़ा क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए। और मैंने चलो अब देखते हैं चला के उसको। अच्छा एग्जियोस अभी भी ऊपर नहीं है। मैंने कहा कि इम्पोर्ट एग्जियोस फ्रॉम एग्जियोस, राइट। ठीक है, तो अब देखो जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो थोड़ी देर तक तो मुझे लॉगिन का पेज दिखता है, लेकिन फ़ौरन ये डैशबोर्ड पे आ जाता है, क्योंकि शुरू में वो फॉल्स है। तो जब पेज मेरा मेरी ऐप ओपन होती है जैसे ही, यार इसको क्या हो गया, ये चले ही जा रहा है। ओह यस दैट इज करेक्ट। हाँ बोल रहा है इसको क्या हो गया, लोड ही हुए जा रहा है। तो लगा दिया, अब क्या मसला है उसको। सही हो गया। एरर ढूंढने तक इसको रोक कैसे सकते हैं, पता नहीं। ये तो जो वर्क बॉक्स आ रहे हैं ना, ये तो PWA की वजह से आ रहा है, PWA बनाया हुआ है ना इसको। ठीक है, तो दोबारा रिफ्रेश करता हूँ मैं, थोड़ी देर तक ये लॉगिन की स्क्रीन दिखाता है एक लम्हे के लिए, और फिर वापस ये डैशबोर्ड पे आ जाता है। ठीक है, अच्छा हम अब क्या करना चाह रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि शुरू में हम क्या रखें उसको, हम उसको नल कर दें, बजाय हम उसको फॉल्स रखने के ना, हम उसको कर दें नल। तो मैं आया कॉन्टेक्स्ट के अंदर, मैंने कहा भाई आप हो जाओ नल, किधर गया इस लॉगिन, सही है, मैंने इसको नल कर दिया। अब मैं अपनी app.js की कॉन्फ़िगरेशन को ना थोड़ा सा करूँगा चेंज, थोड़ा सा चेंज क्या करूँगा, मैं इसको बोलूँगा कि भाई अगर ऐप इस लॉगिन जो है ना, अगर अगर इक्वल्स इक्वल्स है फॉल्स तो ये वाली बात दिखाओ, सॉरी ट्रू, ट्रू अगर है तो ये वाली बात दिखाओ, फॉल्स है तो ये वाली बात दिखाओ। ठीक है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इस टर्नरी ऑपरेटर से बाहर निकालना पड़ेगा मुझे इसको, सही है। मैंने कहा अदरवाइज नल, कोई यहाँ पे बात नहीं हो रही दूसरी। ठीक है, मैंने एक और टर्नरी ऑपरेटर बनाया और मैंने कहा कि भाई सही है, मैंने कहा स्टेट डॉट इज लॉगिन अगर क्या हो, अगर फॉल्स हो अगर तो आप ये बात दिखा दो फिर। ठीक है, मतलब ये नेविगेशन बार की बात हो रही है कि अगर ट्रू हो तो ये नेविगेशन बार दिखाओ, फॉल्स हो तो ये नेविगेशन, क्योंकि अब एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी आ गई ना, नल भी हो सकता है। नल होने की सूरत में नेविगेशन बार नज़र ना आए। नेविगेशन बार कब आएगा, जब या तो ट्रू होगा जब आएगा, जब या तो फॉल्स होगा जब आएगा। अब आप नोट करना, अच्छा दोनों में ट्रू कर दिया मैंने, सही है। अच्छा तो अब आप गौर करना है कि जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो शुरू में जो लोडिंग की स्क्रीन है, इसका मैं नेटवर्क भी स्लो कर देता हूँ, यहाँ से थ्रॉटलिंग से जाके मैंने स्लो 3G कर दिया। अब जब मैं इसको रीलोड करूँगा, अच्छा डिसेबल कैशर डाल देता हूँ, तो जब शुरू में जो स्क्रीन आती है उसमें नेविगेशन बार नहीं आता। इसको मैं गेट प्रोफाइल को रोक देता हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी आ रहा है ना, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि वो। ठीक है, नेविगेशन बार नहीं आ रहा, वो मैंने गेट लॉगिन को थोड़ी देर के लिए रोका है। तो नेविगेशन बार जो है नल होने की सूरत में नहीं आएगा, जब फॉल्स होगा सर्वर से आ जाएगा कि फॉल्स है तो फिर ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, गेट प्रोफाइल को मैंने रोका है। इसी तरीके से मैं जो नीचे राउट्स वाला जो पोर्शन है उसमें भी ये तीन बना दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया। तो पहला मैं बोलूँगा कि भाई अगर आप हो ऐसे फॉल्स, सही है, पहला वाला तो ट्रू हो तो ये दिखाओ, ठीक है, अदरवाइज नन। ठीक है, फॉल्स हो तो ये दिखाओ, अदरवाइज नन। लेकिन इस वाले पॉइंट पे अब आकर मैं क्या करूँगा, एक ट्रू पे मैंने चीज़ एक दिखा दी, फॉल्स पे मैंने चीज़ एक दिखा दी, अब मैं नल पे भी एक चीज़ दिखाऊंगा।
सही है, मैंने कहा भाई अगर ये नल हो ना तो यहाँ पे क्या दिखा दूँ, एक डिव बना दिया मैंने और ठीक है, इस डिव के अंदर मैंने लिख दिया कि लोडिंग। अब ये जो डिव है ना ये मेरा, ये स्प्लैश स्क्रीन है एक्चुअली, सही है, ये स्प्लैश स्क्रीन है हमारा। तो अब आप नोट करें, जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ ये स्प्लैश स्क्रीन पे आके रुक जाता है। ये इसको होश संभालने में इतनी देर क्यों लग रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने पेज लोड होते ही वो अभी गेट प्रोफाइल कॉल नहीं की तो उसका रिस्पॉन्स भी नहीं आया, तो अभी ये स्प्लैश स्क्रीन पे ही रुका हुआ है। स्प्लैश स्क्रीन पे मैं कोई छोटा मोटा लोडिंग का जो है ना इमेज भी लगा सकता हूँ, सही है, जैसे मिसाल के तौर पे ये एक इमेज है मेरे पास, मैं राइट क्लिक करता हूँ ओपन इमेज इन न्यू टैब करके इसको मैं क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ अपने पास। जिफ की ज़रूरत नहीं है, जेपीजी भी काफ़ी है, ठीक है जी। ये मेरे पास एक इमेज आ गई है और इसको अब मैं क्या कर लेता हूँ अपने मेरे पास जो SRC के अंदर ना इमेज का एक था फोल्डर, शायद था या नहीं था, नहीं है तो बना लेता हूँ। SRC के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, एक IMG का फोल्डर बना देता हूँ और IMG का फोल्डर बना के इस इमेज को मैं उसके अंदर मूव कर देता हूँ और इस इमेज का नाम चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ लोडर, ठीक है, लोडर मैंने इसका नाम रख दिया। तो मैं app.jsx में क्या करता हूँ, इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ, इम्पोर्ट लोडर IMG फ्रॉम .img/loader राइट loader.webp। तो ये लोडर इमेज मेरे पास आ गई इम्पोर्ट होकर, तो मैं बजाय यहाँ पे एक डिव दिखाने के मैं यहाँ पे क्या दिखा सकता हूँ, एक इमेज भी दिखा सकता हूँ। लोडर IMG सही है, ALT वगैरह अगर लगाना चाहूँ तो मैं लगा सकता हूँ, अगर ना भी लगाऊँ तो दैट इज़ परफेक्टली फाइन। ये एरर किस बात का आ रहा है भाई, अच्छा ऐसे ही आ रहा है। तो अब जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे आकर, अच्छा ये काफ़ी बड़े साइज़ में आ रहा है, सही है। वैसे तो इमेज जितने साइज़ की आपको चाहिए होती है उतने ही साइज़ की आपको लगानी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल मैं छोटे साइज़ में लगा रहा हूँ इसको, सही है, 300 पिक्सल के साइज़ में लगा दे रहा हूँ। और मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, पूरी बॉडी के अंदर इसको मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ, वो मैं कैसे लाऊँगा, इसको मैं एक डिव के अंदर कर दूँगा ऑब्वियसली। यार ये सजेशन में क्यों नहीं पकड़ रहा है, अभी कुछ स्लो हुआ है पता नहीं। इसको मैं एक डिव के अंदर कर दूंगा इस इमेज को ऑब्वियसली, और इस डिव के ऊपर मैं क्या कर दूंगा, स्टाइल ऐसा लगा दूंगा कि भाई डिस्प्ले फ्लेक्स और क्या था इसके अलावा, जस्टिफाई कंटेंट, नहीं नहीं जस्टिफाई होगा ना यार, फ्लेक्स और सेंटर ये क्या हो गया इसको, जस्टिफाई का आई भी आया हुआ, खुल गया भाई आज की वजह, डिफ की विड्थ 100% ही होती है हमेशा, जस्टिफाई, अच्छा कॉन्टेक्स्ट क्लिक दिया उन्होंने,
CONTENT। अच्छा अब सजेशन दे रहा है जब हमारा काम हो गया। नहीं VS Code को, हाँ सही हो गया, ये सेट हो गया। अच्छा तो ये तो हॉरिजॉन्टली हमारा ये सेंटर में हो गया, अब मुझे इसको वर्टिकली भी सेंटर में लाना है, ठीक है। अच्छा वर्टिकली समटाइम मुझे सेंटर में लाना होता है, समटाइम मुझे सेंटर से थोड़ा नीचे रखना होता है, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए क्या कर देता हूँ, इसको अलाइन आइटम, अलाइन आइटम्स को भी मैं सेंटर कर देता हूँ। हाँ इसको डिव को हाइट देनी पड़ेगी, सही कहा बिल्कुल। सही है, मिनिमम हाइट 100 VS, दैट इज करेक्ट। सही है जी, तो ये मेरा क्या हो गया, लोडिंग जो है वो सेंटर में यहाँ पर आके खड़ा हो गया। अच्छा तो ये मैंने एक छोटा सा क्या बना दिया यहाँ पे, स्प्लैश स्क्रीन का एक कोड लिख दिया। अब होता क्या है कि मैं इसको दोबारा से ओपन कर देता हूँ गेट प्रोफाइल को, तो अब आपको क्या पता चलेगा, कुछ इस तरह का व्यू आएगा कि जब ये ऐप लोड होती है तो पहले वो लोडिंग आएगा, सही है, और वो लोडिंग आते ही उसके बाद डायरेक्ट ये डैशबोर्ड पे आ जाएगा बंदा। अच्छा अगर मैं यहाँ से कुकीज़ को डिलीट कर दूँ, ठीक है, ये कुकीज़ को मैंने क्या कर दिया, टोकन को टू बी स्पेसिफिक मैंने डिलीट कर दिया और डन। अब जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो क्या होगा, अभी भी ये डैशबोर्ड पे ही आ रहा है, सही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इस वजह से हो रहा है कि इस एसिंक का वेट वाले को मैंने कहाँ नहीं रखा, ट्राई कैच में नहीं रखा, तो इस वजह से उसमें जो एरर आता है वो यहाँ पे तो आता है लेकिन वो मुझे नहीं पता चलता क्या एरर। ये देखो यहाँ पे तो पता चल रहा है, वो नेटवर्क का एरर आना चाहिए ना यहाँ पे, ये रहा प्रोडक्ट्स में 401 तो आ गया, सही है, प्रोडक्ट्स की जो आईपी एपीआई हिट हो रही है उसमें 404 आ गया है और ये बता भी रहा है कि भाई नहीं आप पता चले। लेकिन मैं उसको कैसे हैंडल करूँगा, मैं उसको ऐसे हैंडल करूँगा कि ये जो रिस्पांस वाला पार्ट है ना मेरा, जहाँ पे मैं इंटरनेट पर रिक्वेस्ट करता हूँ, उसको मुझे ट्राई कैच में लिखना होता है, सही है। तो ये वाला पार्ट मैं कट करूँगा, इसको मैं ट्राई में लिखूँगा, अगर ये ट्राई सक्सेसफुल होता है। हाँ भाई सब कुछ ओके, ठीक है, गौर से इसको देखो क्या हो रहा है। ये मैंने कहा भाई ये ट्राई करो, अगर ट्राई पे चल जाता है तो यूज़र लॉगिन है, अगर कैच आता है इसके अंदर तो क्या करो, डिस्पैच यूज़र लॉगआउट डिस्पैच करो, ठीक है। तो अब जब ये मैं रिफ्रेश करूँगा इसको, ठीक है, तो ये लॉगआउट डिस्पैच हो गया। अबे क्या बकवास है ये, ये मैंने नीचे गलत तो नहीं लगा दिया, एक दफा देख लो, लॉगिन पे ये वाला बात है, सही है, लॉगिन फॉल्स पे ये वाला बात है और लॉगिन नल होगा तो ये वाला बात है, सही तो है बिल्कुल। ये क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है भाई, हाँ कंप्यूटर को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप जल्दी में, हाँ ये बात बिल्कुल सच है। अच्छा अब सही हो गया, अच्छा अब मैं लॉगिन क्लिक करता हूँ, ये लॉगिन क्लिक किया मैंने, इधर आ गया। अब मैं रिफ्रेश करूँ तो इसको लॉगिन पे आना चाहिए हर दफ़ा, ठीक है, पहले लोडिंग शो करना चाहिए फिर लॉगिन पे आना चाहिए, हाँ लॉगिन हल्की सी लोडिंग शो करके लॉगिन पे आ जा रहा है, ठीक है। अब मैं इसका कुकी डिलीट करता हूँ दोबारा से यहाँ से, ताकि ये लॉगआउट वाला, ठीक है कुकी डिलीट किया मैंने, ये लॉगआउट हो चुका है। अब मैं रिफ्रेश करूँ तो इसको नहीं आ रहा, मैं रिफ्रेश करूँ तो उसको ऑटोमेटिक इधर आ जाना चाहिए, यहाँ से तो हो रहा है सही 404। अच्छा एक काम कर लेते हैं, अभी ये देख लेते हैं कि यहाँ पे ना इस एरर को कंसोल भी करा लेते हैं कि ये आ क्या रहा है, कंसोल डॉट लॉग एक्सियोस एरर, ठीक है एक्सियोस का एरर मैंने यहाँ पे कंसोल करवा लिया ताकि हम देख सकें कि एग्जैक्टली वो जब रिफ्रेश करता हूँ मैं तो होता क्या है।
सर्वर तो नहीं मेरा क्रैश हुआ, सर्वर तो सही है। यहाँ पे वो प्रिंट भी नहीं हुआ ना एरर, जो एक्सियोस एरर करके मैंने यहाँ पे बात प्रिंट करवाई थी वो प्रिंट हुई भी नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद इस वजह से नहीं प्रिंट हुई कि ये चल नहीं रहा गेट प्रोफाइल, ऐसा तो नहीं है। कैच, अच्छा रिस्पॉन्स को भी प्रिंट करवा लेता हूँ कि रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। प्रोडक्ट्स की एपीआई को हिट कर दूँगा यार, इतने सारे जो ये कंसोल आ रहे हैं ना, ये PWA का वो खुला रह गया है डीबग यार, PWA का डीबग क्या हम बंद कर सकते हैं फौरी तौर पे यहाँ पे यार। कौन सी वाली .js? sw.js डिलीट नहीं ना इसको, जस्ट अभी वो कर देते हैं डीबग, इसमें कहीं ना कहीं पर ट्रू लगा हुआ होगा, इसमें किसी जगह पे ना एक डीबग ट्रू का ऑप्शन लगा हुआ होगा। प्रीलोड इज सपोर्टेड, कैशे इंस्टॉल मैसेज, सही है। मैं फिलहाल के लिए sw.js को खाली कर रहा हूँ, लेकिन ये आपको पता है गिटहब में जो एक बार चीज़ चली जाती है वो रहती है वहाँ पे मजबूरन, ताकि ये मुझे डेवलपमेंट में तंग ना करें। तो भाई ये तो अभी भी कर रहा है इसको रजिस्टर, कैसे रजिस्टर कर रहा है अभी, तो मैंने इसको गायब कर दिया है यहाँ से। ओके अब ये एरर यहाँ पे मिलना शुरू हो गया मुझे, फाइनली एक्सियोस एरर अब सही मिल रहा है। लॉग आउट है अभी, अब मैंने लॉग इन किया तो ये सही लॉग इन है, रिफ्रेश करता हूँ तो लॉग इन पे ही आना चाहिए, ठीक है। रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे यहाँ पे, अब अगर मैं इसको लॉग आउट कर दूँ, यहाँ से लॉग आउट करूँ, इसको कुकीज़ डिलीट करूँ, रिफ्रेश करता हूँ मैं तो फौरन, अच्छा वो काइंड ऑफ PWA शायद उससे कुछ ना छेड़छाड़ कर रहा था, PWA शायद पता नहीं उस पेज को कैशे वैशे कुछ कर रहा था, इस वजह से वो बार बार वहाँ पे भाग के जा रहा था, ठीक है। हमारी लॉजिक बिल्कुल सही है, लॉजिक में हमारे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हमने ये क्या कर लिया है, एक अपना चुन्ना मुन्ना सा डेटा स्टोर सेटअप कर लिया है, और डेटा स्टोर को हम लॉग इन के पेज से चेंज करवाते हैं, लॉग इन ट्रू करवाते हैं, और app.js के पेज पे हमें वो डेटा मिल रहा होता है, जिसके बेस पे हम क्या करते हैं नेविगेशन बार अपना शो हाइड करवा लेते हैं, ठीक है। अब इंशाल्लाह अगली क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और प्रॉपर ये लॉगिन और साइनअप जो ऐप थी इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो अल्लाह हाफिज़।